सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। नमस्कार, सिटी न्यूज में तमाम दर्शकों का स्वागत है। लॉकडाउन का 19वां दिन आज हम पहुंचे हैं शहर का दूसरा हृदय स्थल बोला जाता है बैरिया चौक, जहां जो है चार रास्तों निकलती है। बैरिया चौक से चार रास्ते निकलते हैं शहर के, होकर शहर में भी जाते हैं, वही इससे इस रास्ते से दूसरे प्रदेश के भी जाने का रास्ता है। बता दें कि आप देख रहे हैं बैरिया चौक हमेशा भीड़ वाला जगह कहा जाता था। यहाँ पर आसपास में कई प्रतिष्ठानें हैं, यही वजह है कि चौक पर हमेशा गहमा गहमी रहता था। आज ये सड़कें वीरान है, चारों सड़कों पर वीरानगी छाई है। सन्नाटा इसलिए है कि लॉकडाउन का लोग पालन कर रहे हैं। इस चौक पर लगातार लोगों की भीड़ रहती थी। ये चौक दूसरे प्रदेश को जोड़ने का तो मुख्य पथ है ही, अगल बगल के जो प्रखंड है वहाँ फिर जाने का एक मुख्य रास्ता है। ये शहर का ऐसा रास्ता है जहाँ से मुख्य बाजार होते हुए दूसरे प्रखंड में जाने का भी रास्ता इसे बोला जाता है। और यहाँ पर एक कह सकते कि हमेशा भीड़ भाड़ लगी रहती है। आज सड़कों पर वीरानगी छाई है, सड़कों पर सन्नाटा है। जो लोग थोड़ा बहुत नजर आ रहे हैं वो जरूरी काम से बाहर निकल रहे हैं। जिन्हें दूध की आवश्यकता हो, जिन्हें मेडिकल की आवश्यकता हो, जिन्हें किराना दुकान सामान खरीदने की आवश्यकता हो या सब्जी खरीदने की आवश्यकता हो, वही लोग निकल रहे हैं। इन तपती धूप के बावजूद पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात दिख रहे हैं। लगातार पुलिस, पलामू पुलिस जो है लोगों पर पैनी नज़र बनाए हुए है। हर आने जाने वालों से पूछताछ जारी है कि वो किस काम से कहाँ जा रहे हैं। ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि शहर की सुरक्षा के साथ साथ देखा जाए कि शहर में कितने लोग इसका लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। बता दें इस चौक की खासियत यह है कि पहला रास्ता जो जाती है वो इस चौक से शहर मुख्यालय की ओर, गायत्री मंदिर यानी सुदना होते शहर मुख्यालय की ओर जाती है। मुख्य बाजार जाती है, जबकि दूसरा रास्ता यहाँ से एक सिंगरा होते उसको बोल सकते हैं कि बिहार को जोड़ती है, जबकि तीसरा रास्ता यहाँ से जोड़ होते पाटन की ओर निकलता है। वही चौथा रास्ता रेड़मा चौक होते हुए रांची की ओर जाती है, यानी इस चौक की एक अलग महत्ता है। इस चौक पर देख सकते हैं कि किस तरह से वीरानगी छाई है, सन्नाटा पसरा है, कुछ लोग नजर भी आ रहे हैं तो किसी न किसी जरूरी काम से जा रहे हैं। यानी लॉकडाउन का 19वां दिन भी सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। इस सन्नाटा ये साबित करता है कि लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, जिला प्रशासन व सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। यही नहीं, लगातार ये संक्रमण पूरे देश में बढ़ रहा है, जिससे लोग अपने को घरों में ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। घर में रहकर सरकार का निर्देशों का पालन, जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन तो कर ही रहे हैं, लोग अपने भी चाहते हैं कि सुरक्षित रहें। घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, यही वजह है कि लगातार लोग घर में ही रहना उचित समझ रहे हैं। लॉकडाउन का सीधा असर दिख रहा है और लॉकडाउन में लोग पालन करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि जिला प्रशासन व सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जिसका इसका सीधा असर मेदिनीनगर में भी देखने को मिल रहा है। हम आपसे भी अपील करते हैं कि लॉकडाउन जो लागू है वो आपके सुरक्षा के लिए लागू है, आपकी सेफ्टी के लिए। जिला प्रशासन व राज्य सरकार लगातार अपील कर रही है तो आपके लिए कर रही है। संक्रमण देश में लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में आपको घर में ही रहना, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। और ये सरकार भी चाहती है, जिला प्रशासन लगातार इसके लिए पहल भी कर रही है। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी अगले चौक से। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़।